तो प्रॉफिट एंड लॉस आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको ठीक से करने का प्रयास करेंगे। बेसिक जानकारी के साथ पहले शुरू करते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये का खरीदा तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। आपने उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया और लिख दिया MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं हिंदी में, और MP यानी कि मार्क प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने उस पे 150 रुपये का स्टिकर चिपका दिया तो उसकी मार्क प्राइस कितनी हो गई? 150 रुपये, ठीक है। अब आपके पड़ोस के कोई अंकल आ गए, उन्होंने बोला बेटा और कैसे हो, कितने का दोगे ये आर्टिकल हमें? आपने बोला अंकल 130 का खरीदा, 130 का ले जाओ, ठीक है। आपने ऐसा कह के 130 छोड़ो अंकल, आप 120 का ही ले जाओ। आपने 120 का अंकल को दे दिया तो आपकी जो विक्रय मूल्य है वो कितने की है? 120 रुपये की। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लो, रियलमी, राइट, म्यूट रखो बेटा, कुछ जरूरी बात नहीं करनी है। तो अब इस केस में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हमारा प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपये की चीज हमने 120 रुपये की बेची, यानी प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा 20 रुपये का है। प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट है, कभी भी कोई परसेंटेज है, राइट। ये सब देखो, ये 3 परसेंटेज है। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ तो हमारा अंश होता है और कुछ हमारा हर होता है। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास प्रतिशत निकल के आ जाता है। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो हमेशा अंश यानी कि न्यूमरेटर बनता है। जिसके बारे में बात हो रही है, प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, प्रॉफिट न्यूमरेटर बनेगा। लॉस के बारे में बात हो रही है, लॉस न्यूमरेटर बनेगा। डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में बात हो रही है, डिस्काउंट हमारा न्यूमरेटर बनेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या बनेगा? जिससे तुलना करते हैं। प्रॉफिट परसेंट की तुलना किससे करते हैं? क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। लॉस परसेंट की तुलना किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। डिस्काउंट प्रतिशत की तुलना किससे करते हैं? अंकित मूल्य से यानी कि मार्क प्राइस से। तो इस तरीके से ये हमारा 3 रिस्पेक्टिव फॉर्मूला तैयार हो जाता है। छूट की अगर बात करें तो छूट कितनी मिली इस एग्जाम्पल में? 150 रुपये की चीज जो है वो 120 रुपये की दी गई, तो छूट कितनी दी गई? छूट दी गई 30 रुपये की। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है तो आप बोलोगे छूट बट्टा भी कहते हैं इसको, है 30 बटे जो भी अंकित मूल्य थी, कितनी थी? 150 गुने 100। तो क्या ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 20%। प्रॉफिट परसेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है हमारा? 20 रुपये का प्रॉफिट है। बटे सीपी, सीपी हमने 100 रुपये माना था तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20%। अब ये बड़ा सीधा तरह का सवाल मैंने लिया, इतना सीधा सवाल एग्जाम में नहीं आता, ये आप ही जानते हो। सवाल क्या करते हैं, इसी को उल्टा करके पूछते हैं। जैसे यहाँ पे हम सवाल क्या था कि इतने का आर्टिकल है, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, इतने का लेबल लगाया, MRP दी, इतना डिस्काउंट दिया, सब कुछ पता था। एग्जाम में कुछ अलग तरीके से सवाल आता है। एग्जाम में ये सवाल आएगा कि अगर आपने किसी वस्तु को 20% छूट दे के बेचा और फिर भी आपको 20% का लाभ हुआ तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है? अगर उसका विक्रय मूल्य इतना है तो, समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन को ठीक उल्टे तरीके से पूछा जाता है, एग्जैक्टली अपोजिट तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। अभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे और आसानी से कर सकते हैं, ये हम लोग रियल क्वेश्चंस में इस बात को सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होंगी। अगर हाँ तो जल्दी से, हमारे पास ये पहला सवाल है, क्या है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है, राइट। बताओ क्या आंसर दोगे? आंसर क्या है ये बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन हम उस आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं मेरी नज़र में वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो कैसे है ना वही आपकी स्पीड डेवलप करता है। और चलो देखते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट शॉर्टकट हो सकता है इस तरह के सवालों का, राइट, मैंने ये डायग्रामेटिकली भी बता रखा है। 11 गुने 11 आप लिखेंगे कितनी वस्तुएं हैं, कितना उसका मूल्य है, ऐसे टेबल फटाफट से मेंटली भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। 11 × 11 कितना हो गया बताओ? 121। माइनस 10 × 10 100,
बटे 10 × 10 100। ये जो तुम्हारे पास उत्तर आया ये तुम्हारा आंसर है, आंसर हो गया तुम्हारा 21%। ये डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया कितना है भाई, 21%। कोरोना का आंसर सही है, सर्वेश का आंसर गलत है। नहीं आजकल तो कोरोना ही सब कुछ सही सही बोलता है, बाकी सब तो गलत बोलते हैं। चलो तो कितना परसेंट हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, 21%। कभी भी अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है इस तरह के सवालों में, आप स्ट्रेट इसको यूज कर सकते हैं। 11 × 11 − 10 × 10 − 10 × 10 = 100 = 100 स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक, अगर तुमने डेट रखा है तो तुम इस तरीके से इसको कर सकते हो, समझ गए। अब मैं एक तरीका और बताना चाहूंगा जिसमें कि तुम इसको लॉजिकल तरीके से समझोगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से। मुझे ये सेकंड मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, ये था मेथड नंबर वन। मुझे मेथड नंबर टू ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, आजकल तुम देख रहे हो सीजीएल में कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आने लगे हैं, राइट, बैंकियों में कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आते थे और बढ़िया आने लगते हैं। ये सब के सब अपना लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं, अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं, परीक्षा का लेवल, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो उन लेवल को करने के लिए मुझे मेथड नंबर टू ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी जहां तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई कर पाओगे, वहां पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। एक इस प्रकार का आप एक सिस्टम देख लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें आप देख लेंगे। क्यू यानी कि क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा है, और पी यानी कि प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस। तो जब हमने कोई चीज खरीदी तो 11 खरीदी 10 रुपए की, ठीक है, और जब बेची तो हमने 10 बेची 11 रुपए की, यही तो दे रखा है सवाल। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह के सवाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आती है, कहाँ पे, कि क्वांटिटी अलग कर देते हैं। अगर क्वांटिटी सेम होती ना तो कोई टेंशन ही नहीं होती, अगर क्वांटिटी सेम होती तो कोई टेंशन ही नहीं होती। बेसिक जो आपका यूनिटरी मेथड आपने बचपन से लेके आज तक पढ़ा है उसको यूज करते हुए तुम्हें इसकी क्वांटिटी को सेम कर देना है, इसकी मात्राओं को बराबर कर देना है। जो यहाँ 11 और ये 10 है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि इसका ल स प ले लीजिए, यानी कि एलसीएम ले लीजिए। 11 और 10 का ल स प कितना हो गया, 110। अगर 110 है बच्चों, 11 आर्टिकल की कीमत अगर 10 रुपये है तो 110 आर्टिकल की कीमत क्या 100 रुपये नहीं हो जाएगी? और 10 आर्टिकल की कीमत अगर 11 रुपये है तो 110 आर्टिकल की कीमत क्या 121 रुपये नहीं हो जाएगी? हमने क्या किया, हमने क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बराबर कर दिया, 110 110। 110 की क्रय मूल्य 100 रुपये है, 110 का विक्रय मूल्य 121 रुपये है। प्रॉफिट परसेंट देखने में अब कोई तकलीफ ही नहीं होती है। कैसे देखते हैं भैया, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो बड़े आसानी से तुम इस जगह निकल आते हो, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे तभी लोग। कभी भी इस तरह के सवाल में आपके पास जब क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है तो तुम्हारा फोकस उस क्वांटिटी पे रखना है, तुम्हें देखना है कि उस क्वांटिटी को हम लोग सेम करें। ठीक है, क्वांटिटी को सेम करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि जो ये 11 और ये जो 10 दे रखा था इसका ल स प ले लोगे, यानी कि एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेके तुम्हारे पास जितनी भी वैल्यू आ रही है दोनों को वही बनाने का प्रयास करोगे, 110 बनाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 10 से गुना करेंगे, इसको 11 से गुना करेंगे, उसी प्रकार से इसकी कीमत भी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 गुना हमने कीमत किया 100 रुपये हो गई, यहाँ 11 गुना किया तो 121 रुपये हो गई। अब 110 क्वांटिटी, 110 क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम करनी है, बस यही ध्यान रखना है। अब तुम्हें उसी क्वांटिटी के लिए सीपी और एसपी पता है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल के रख दिया, कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100, कितना आ गया, 21%। जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई जल्दी से जरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताऊं। सो लेट्स सी क्या हमारे पास इसका आंसर हो सकता है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो इफ अ चाइल्ड बाइज 9 oranges, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ हो जाना चाहिए था, राइट। अभी अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा भी था, किस तरीके से परसेंटेज देखेंगे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके और 2.36 आंसर हम लोग दे देते। ठीक है,
2.6 आंसर दे देते। मुझे उम्मीद है ये सब बातें आप जानते हैं कि 100/11 जो है ये 9.09 होता है, ठीक है, 100.09 होता है। तो जब 4/11 होगा तो इसका 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 × 36। तो इस हिसाब से ये मैंने डायरेक्टली कितना लिख दिया, 2.36 लिख दिया। आप चाहें तो करके भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको बेसिक तरीके सॉल्व करता जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था लॉजिकल तरीका, तो वो क्या होता, देखो यहीं रेड से करके बताता हूँ। स्पेस में मैंने तुम्हें ये बताया था कि सिर्फ दो बातें देखो, CP SP, क्वांटिटी प्राइस। क्वांटिटी कितनी बेटा, क्वांटिटी हमारे पास 9 की कीमत कितनी 16, इधर क्वांटिटी कितनी बेटा 11 की कीमत कितनी 20। तो मैं 99 की कीमत निकालूंगा, 11 से यहाँ गुना किया, 11 से यहाँ गुना किया, कितना आ गया 176, ठीक है। 9 से यहाँ गुना किया, 9 से यहाँ गुना किया, तो जितनी वस्तु के लिए क्रय मूल्य 176 है उसकी विक्रय मूल्य कितनी है 180 है, है ना। 99 के लिए क्रय मूल्य 176 और 99 के लिए विक्रय मूल्य 180, तो परसेंटेज प्रॉफिट देखने में तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी ना। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे देखेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ बटे कितनी लागत थी, लागत कितनी थी 176 गुने 100। तो अगर तुम शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाते हो तो ये जो लॉजिकल मेथड है ये अगर ध्यान रखते हो तो तुम फटाफट आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सेम आंसर आपके पास आ जाएगा, 4/176 कितना आ जाएगा, ये 2.36%। ओके चिल्ड्रन, आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आती है। बताइए, एक मिनट का समय है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा इसका। A merchant professes to sell his goods at the cost price. कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बेचता है, बताइए उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। 60 सेकेंड आपके पास हैं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको पता है इस तरह के सवाल खूब आते हैं हमारे परीक्षा में, राइट। बेईमान दुकानदार के ऊपर, बेईमान दूध वाले के ऊपर खूब अच्छे सवाल आते हैं, कैसे इसको आप डील कर रहे हो, कितना जल्दी आंसर तक पहुंच रहे हो, बस यही मैं देखना चाहता हूं। ओके, दो आंसर्स आए हैं मेरे पास 47 सेकंड में, देखते हैं सही है कि गलत। 4%, 4.13, 4.16, सर्वेश, हर्षित और देवेंद्र, चलो देखते हैं। आइए आइए मैं डिस्कस करता हूं, टाइमर ऑफ करते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। कई लोग आंसर दे रहे हैं प्रॉफिट 4 and 1/6, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखेंगे, राइट। आपका आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो भी कोई बात नहीं, सीखना है, दोबारा से वो गलती रिपीट ना हो, बस ये ध्यान देना है। मैंने जो तुम्हें सिखाया वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, किस पे, बेईमान जो दुकानदार है उस वहाँ पे भी ये अप्लाई होगी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या बताया था, क्वांटिटी प्राइस। अब जितने का खरीदा उतने का ही बेचा है ना, लेकिन जब खरीदा तो 1 किलो खरीदा, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, और जब बेचा तो 960 ग्राम दिया। जितने का खरीदा, जब कोई रेट नहीं दे रखे हैं, बिना किसी संकोच के 100 रुपये ले लो, 100 रुपये का खरीदा और 100 रुपये का बेचा, ठीक है। बस अंतर कहाँ पे आ गया, क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी सेम कर लेते हैं ना यार, टेंशन क्या है। 960 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी बताओ, अगर 1000 की कीमत 100 रुपये है तो 9000 की कीमत कितनी हो जाएगी, 96 रुपये नहीं हो जाएगी क्या, राइट। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो भाई, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे CP गुने 100, समझे कि नहीं। तो 4/96 गुने 100, फटाफट से आपने इधर काटपीट मचा दिया, कितने से जाएगा, 24 से जाएगा क्या, 24 × 96 होना चाहिए है ना, ये कितना हो जाएगा, फिर से 4 से हटा दो, 4 से अगर कैंसिल करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 5, तो 25/6 कितना हो जाएगा, 4 सही 1/6% यानी कि आप कह सकते थे 4.16%। दैट वुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप में से कई लोग